कांगड़ा जिला में इंदौरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गत रात्रि पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत डाक उलाड़ा में दो सगे भाइयों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दोनों भाई मध्य प्रदेश जिला पन्ना के गांव संगरा के निवासी थे और यहां पर मजदूरी का काम करते थे। इन दोनों भाइयों के साथ एक और व्यक्ति भी रहता था। हत्या के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार अनिल कुमार व विनोद कुमार सपुत्र धनीराम निवासी गांव संगरा मध्य प्रदेश डाक उलाड़ा में मजदूरी का काम करते थे और किराए पर रहते थे। उनके साथ घनश्याम नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। आज सुबह डाक उलाड़ा की प्रधान ने थाना इंदौरा में सूचित किया कि उनके पड़ोस में रहने वाले दो मजदूरों की हत्या हो गई है। सूचना मिलने पर DSP नूरपुर सुरेंद्र शर्मा अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। DSP सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक मूल रूप से गांव संग्रह जिला पन्ना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहां मजदूरी करते थे। छोटे समय किसी ने तेज धार हथियार से दोनों का कत्ल कर दिया। संदेह के आधार पर उनके एक साथी घनश्याम को हिरासत में लिया गया। ये यहाँ डाक उलाड़ा में एक घर में जो है तीन लोग रह रहे थे जो लेबरर हैं और दो सगे भाई थे और एक और उनके गांव का ही आदमी था, वो लोग रह रहे थे। आज सुबह ही गांव के प्रधान ने इंफॉर्मेशन दी कि दो लोगों का वहां पे मर्डर हुआ है, जिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है और कार्रवाई कर रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पे बुला के एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही हैं और इस पे पुलिस जो है धारा 302 में एक्यूज्ड को सर ये आपने पकड़ लिया? एक्यूज्ड लगभग ट्रेस्ट ही है। क्या नाम था सर उसका, ये मरने वाले का नाम? अभी ऐसा पाया जा रहा है कि जो इनके साथ तीसरा आदमी रहता था वो सस्पेक्ट है, उसको डिटेन किया गया। ये मरने वालों की शिनाख्त हो गई? इनके नाम इनका शिनाख्त होगी, एक अनिल है और विनोद है, दोनों सगे भाई हैं। तीसरा व्यक्ति जो इनके साथ घनश्याम रहता था वो सस्पेक्ट है।